सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसमें मरीज असुविधाओं से परेशान होते हुए नजर आने लगे हैं। संविदा शिक्षक कर्मचारी मनावर हॉस्पिटल पर धरने पर बैठकर भगवान का स्मरण कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना कर रहे हैं। कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य शिक्षा कर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभाया है। उन्हीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल में मनावर, गंधवानी, बाकानेर और सिंघाना के कर्मचारी शामिल हैं। संघ के कर्मचारियों ने सुबह से ही मनावर के सिविल अस्पताल के गेट पर महिला कर्मचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरना और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। डॉक्टर विष्णु बड़ेदार, ये आज जो आपका भजन कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, ये किस अनुरूप मतलब किस कारण कर रहे हैं? हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। हम पिछले आज 10वां दिन हमारे हड़ताल का, हम 10 दिन NHM के अंतर्गत हम 10 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। तो हम आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कि सरकार हमारी बात मान ले। और हम पिछले कोरोना में बहुत काम संभाला है, तो हम चाहते हैं कि हमको निमित्रीकरण दिया जाए और हमारे जो निष्कासित साथी है उनको वापस लिया जाए। हमारे 2 सूत्री मांगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।